फेसबुक ई कॉमर्स मार्केट में करेगा एंट्री, बढ़ने वाली है अमेजॉन फ्लिपकार्ट की मुश्किलें। भारत में व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट सेक्टर में घुसने के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक एक और धमाका करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही कंपनी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को शुरू कर देगा, जिससे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट और स्नैपडील की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जून में शुरू होगी वेबसाइट फेसबुक। जून महीने की शुरुआत में भारत में अपनी मार्केट प्लेस वेबसाइट का सॉफ्ट लॉन्च करेगा। अभी वो इसकी लॉन्चिंग से पहले कई बड़े ब्रांड्स और बिजनेस हाउस से बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही उसने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। बनाएगा नए टूल्स, फेसबुक इसके लिए नए टूल्स को डेवलप करेगा, जिससे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करने में और स्टॉक को मैनेज करने में आसानी होगी। फेसबुक पेमेंट सिस्टम को भी इस साल के अंत में शुरू कर देगा। शुरुआत में फेसबुक उपभोक्ताओं को कंपनियों की वेबसाइट या फिर उनके पेज पर भेजेगा। हालांकि फेसबुक ने अपने मार्केट प्लेस को 6 महीने पहले लॉन्च किया था। तब यह कंज्यूमर C2C था और इसकी OLX व क्विकर से स्पर्धा करने की मंशा थी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाया। अब कंपनी इसी मार्केट प्लेस को पूरी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट में तब्दील करेगी। $200 बिलियन का होगा मार्केट। गौरतलब है कि भारत में ई कॉमर्स मार्केट 2026 तक $200 बिलियन के पार चला जाएगा। 2017 में यह $19.6 बिलियन का था, जिसके इस साल बढ़कर के $27 बिलियन के पार पहुंचने की संभावना है। फ्लिपकार्ट अमेजन $5 बिलियन और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट $2 बिलियन का निवेश करने का प्लान कर रही है। गूगल यह निवेश फ्लिपकार्ट में करेगी, जिसमें हाल ही में वॉलमार्ट ने 75% हिस्सेदारी खरीदेगी।